नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर मयंक अग्रवाल जबरदस्त फॉर्म में है। महज 8 टेस्ट के अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में ही मयंक ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। इन 8 टेस्ट मैचों में उन्होंने 71.50 के बेहतरीन औसत से रन बनाए हैं। केवल 8 मैचों में ही मयंक 3 शतक लगा चुके हैं। खास बात यह है कि इनमें से 2 बार तो वो 200 के आंकड़े से भी पार बना चुके हैं। लेकिन अब टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ 22 नवंबर से शुरू होने वाले ऐतिहासिक डे नाइट टेस्ट मैच की उतरने की तैयारी कर रही है, जिसमें मयंक अग्रवाल की निगाहें एक और रिकॉर्ड पे पहुंचने की होगी। दरअसल इस मैच में मयंक अग्रवाल के पास महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन के एक 89 साल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका होगा। आपको बता दें कि ब्रैडमैन ने साल 1930 में टेस्ट क्रिकेट की 13 पारियों में 1000 रन बनाने का कारनामा किया था। मयंक अग्रवाल अब तक 8 टेस्ट मैच में अपने करियर की 12 पारियों में 858 रन बना चुके हैं। अगर वो कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में 142 रन या उससे ज़्यादा बना लेते हैं तो फिर वो 13 पारियों में 1000 टेस्ट रन पूरे करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे कम टेस्ट मैचों में। वैसे सबसे कम पारियों में 1000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के एच स्टक्लिफ के नाम है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में 13 फरवरी 1925 को 12 पारियों में ये कारनामा किया था। इस सूची में ब्रैडमैन तीसरे नंबर पर हैं, तो वहीं भारत के विनोद कांबली इस मामले में 5वें नंबर पर हैं। उन्होंने 18 नवंबर 1994 को मुंबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ 14 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी। तो ऐसे में मयंक जिस फॉर्म में चल रहे हैं, उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच में मयंक ये कारनामा कर सकते हैं। हालिया प्रदर्शन के चलते ही वो ICC की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में 11वें पायदान पर भी पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पिंक बॉल से खेले जाने वाले मुकाबले में मयंक से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि दिलीप ट्रॉफी में पिंक बॉल के खिलाफ उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। पिंक बॉल से उन्होंने 5 पारी खेली थी जिसमें 419 रन बनाए थे। दिलचस्प बात यह है कि उनकी एक भी पारी इस दौरान 50 रन से कम नहीं रही। तो उम्मीद करेंगे कि मयंक के बल्ले से रन निकले और वो इस उपलब्धि को अपने नाम करेंगे। क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।